देशभर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार भले ही बढ़ रहे हों, लेकिन गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अच्छी खबर दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देशभर में कोरोना संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या में जो डबलिंग का आंकड़ा हो रहा है, उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। इस समय देश की जो मौजूदा डबलिंग रेट है वो तकरीबन 15% के आसपास है, जबकि कई राज्यों में इसकी जो स्थिति है वो लगातार सुधर रही है। कई राज्य ऐसे हैं जिनकी पहले 11 थी, लेकिन अब वो 20 तक जा पहुंची हैं। इन राज्यों में शामिल हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और पंजाब। यही नहीं, कई राज्य ऐसे भी हैं जिनकी संक्रमण के दोगुने होने के दिन की तिथि पहले 20 दिन थी, लेकिन अब वो 40 दिन तक जा पहुंची है। इनमें जो राज्य शामिल हैं उनमें कर्नाटक, लद्दाख, हरियाणा, उत्तराखंड और केरला जैसे राज्य शामिल हैं। कई राज्य ऐसे भी हैं जिनके संक्रमण के दोगुने होने के दिनों की संख्या 40 से भी ऊपर है। उन राज्यों में शामिल हैं असम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। ये राज्य वो हैं जो लगातार कोरोना संक्रमण को लेकर बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके केंद्र सरकार ने इस बात को लेकर साफ तौर पर कहा है कि संक्रमण को फैलने से रोकने के साथ साथ जो कोरोना के पेशेंट नहीं हैं, उनके उपचार को लेकर भी राज्य सरकारों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। केंद्र सरकार पहले ही इस मामले को लेकर एक एडवाइजरी जारी कर चुकी है। वहीं गृह मंत्रालय ने आज एक बार फिर से प्रवासी मजदूरों के लिए साफ तौर पर राज्यों को निर्देश दिया है कि अगर वो उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य में ला रहे हैं तो उन्हें कई तरह की गाइडलाइंस का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। इसके लिए उन्हें एक नोडल अधिकारी तय करना होगा, जो कि दूसरे राज्य के नोडल अधिकारी से बात करके उनके आने और जाने की सुविधाओं का ध्यान रखेगा। यही नहीं, जिस राज्य से ये मजदूर आएंगे वहाँ पर उनकी जाँच होगी और जिस राज्य में आएंगे वहाँ पर आने के बाद भी उनकी जाँच की जाएगी। अगर आने वाले राज्य में राज्य सरकार को लगता है कि उन्हें किसी संस्थागत क्वारंटाइन में रखने की जरूरत है तो वो रख सकती है। अगर उसे लगता है कि इनका स्वास्थ्य ठीक है तो ऐसे में उन्हें होम क्वारंटाइन कराना अनिवार्य है। बहरहाल सरकार की कोशिश यह है कि लोगों की परेशानी कम हो और साथ ही कोरोना के संक्रमण को भी फैलने से रोका जा सके। अब ऐसे में देखना यह होगा कि राज्य सरकारें किस तरह से इस पूरे कार्य को पूरा करती हैं, जिससे कि संक्रमण को फैले बिना लोगों, मजदूरों को, छात्रों को और फंसे हुए लोगों को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।